अरे क्या बात है जालिम, आज बहुत वक्त लगा रहे हो मियाँ। प्लग ढीला है सेठ। प्लग ढीला? अरे यार सब कुछ ढीला हो गया मियाँ। ओ पिंटो। जी साहब। पिंटो तुम बहुत ढीले हो गए। एक जमाना था तुम रोज नई नई माशूक गाड़ियां लाके दिखाया करते थे। गाड़ी का बात बाद में करना सेठ, जरा सामने तो देख लो। आए, ये पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ क्यों आ रही मियाँ? अल्लाह खैर। ओए, कौन मैं? हाँ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों, कल रात कहाँ थे? तुमसे मतलब? ठीक से जवाब दे वरना थाने ले जाकर खबर लूंगा। थाने किस लिए? मैंने कुछ चोरी किया? डाका डाला है? सब पता चल जाएगा। चल गाड़ी में बैठ। गाड़ी में नहीं बैठूंगा। चल बैठेगा कैसे नहीं? धक्का मत मार। चल छोड़ मेरे कॉलर। चल फिर जरा हटना। अब नहीं बचूंगा। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। बहुत तकलीफ हुई सेठ, माफ करना, मजबूरी आ गई थी। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो मियाँ, अपनी फिक्र करो, वो इंस्पेक्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ अरे बच्चा है बच्चा, ऐसे कई आए कई गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे 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 मियाँ, अरे माँ जाओगे कहाँ? पुलिस से बचकर जीना इतना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है लेकिन फिर भी आसान है। एक बात कहूँ सुलेमान सेठ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, पुलिस से तो तुम भी बचकर ही जीते हो। आदमी बहुत समझदार हो और दिलेर भी हो मियाँ, इसीलिए किस्मत तुम्हें सही आदमी के पास लाई है। सुलेमान सेठ के साथ काम करोगे? अरे काम करने के लिए तो पैदा हुए सेठ, अच्छा माल मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम बड़ा चालू है, नाम से क्या लेना, वैसे भोलू राम कहते हैं मुझे। भोलू राम? भोलू राम। बोलो सेठ। मेरे साथ आओ। चलो सेठ। आओ आओ, चलते रहो चलते रहो। ये लो सालिम, सिगरेट पियो। नहीं सेठ, अपन तो सूखा सूटा लगाता है। अरे भाई बड़े कमाल के आदमी हो, एक तो गाड़ी इतना खतरनाक चलाते हो, सिगरेट बड़े कमाल का पीते हो। सेठ सिगरेट खत्म हो रहा है, काम बताइए। चलो बताता हूँ। वो टापू देखते हो ना, ये निशानी के तौर पे हमारी अंगूठी ले जाना, वो हमारे दूसरे नंबर का अड्डा है। वहाँ डिसूजा नाम के एक आदमी से मिलना, उससे कहना कि अमा बात तो डिसूजा नाम के आदमी से मिलना। डिसूजा मेरा नाम डिसूजा, तुम्हारा? मेरा नाम भोलू राम, भोलू राम।
क्या देखता भोलू राम? अरे सेठ, अपन तो तुम्हारी राह देख रहा था। सेठ, अपन को काम पे लगाओ ना। हम नया आदमी को जिम्मेदारी के काम पर नहीं लगाता। ये लो 200 रुपए। और सुनो, जाओ और हम लोगों के लिए रोटी पानी का इंतजाम करके आओ। जाओ। मटन खाएगा सेठ? गेट आउट यू इडियट। हेलो बल्लू। स्पीकिंग। यहाँ बहुत माल है और ये लोग कल ही कश्तियों में। अच्छा अच्छा, समझ गया। एक मिनट। कहाँ और किस वक्त? माल किले के अंदर जल्दी पहुंचाओ। अबे ओ भोलू, तू क्या कर रहा है? इधर आ बे। जनाब, एक कष्ट लेके अभी आया। ओ हरियात, बेटे तुझे क्या इनाम चाहिए बोल। मुझे क्या इनाम चाहिए बाबा? बस 1 रुपया दे दो। 1 रुपया? 1 रुपये से क्या करेगा? चॉकलेट खरीदूंगा।
तुझे बचपन की बातें सब याद है ना, ये ले, ये ढेर से चॉकलेट खरीद ले। नहीं बाबा, बस इतना सोना, इतनी चांदी, इतनी घड़ियां, सर बोनस में एक एक घड़ी सारे स्टाफ को मिलनी चाहिए। मुखर्जी सॉरी सर, टाइमिंग गलत हो गई। हैव इट, थैंक यू सर। कम ऑन, ले लो, तुमने कुछ करके दिखाया है। बहुत तरक्की करोगे। लो जी लो माल, बराबर है ना। चलो उठाओ माल, बोर्ड पे रखो। रखो भाई, रखो रखो। अरे पहला पहला सौदा है ना। नहीं नहीं नहीं, ये लो, चोर जा जा। ठीक है जालिम, ठीक है, तूने तो कुछ करिश्मा कर दिखाया। वो तो डिसूजा ने ऑपरेशन में शामिल नहीं किया सेठ, इसलिए सिर्फ दो पेटियां बचा सका, वरना पुलिस वालों की क्या मजाल थी के भोलू के होते हुए एक भी पेटी को हाथ लगा जाते। तुझे अड्डे नंबर दो का सरदार बना दूं मैं। ये अपने इन आदमियों से पूछ लो सेठ, अपन को कोई इतराज नहीं। अरे इन बुजदिलों से क्या पूछना, इनमें से कोई एक घड़ी तक बचा के नहीं लाया। अरे बुजदिलो, अमा कम वक्त तो सुनो, आज से भोलू राम जालिम तुम सबका सरदार होगा, समझे? मुझे मालूम था कि तू मांगेगा, इसलिए मैंने पहले ही से चॉकलेट ले लिया। अरे इसमें से भी कुछ गड्ढे नहीं बाबा, ये तुम्हारी कोठी के लिए। मिस्टर वर्मा, सेठ जी, ये हमारे शहर के अफसर साहब मिस्टर गुप्ता। सेठ जगतपाल, वेलकम टू अवर टाउन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ? ये मेरे एक बहुत ही खास ऑफिसर हैं, बलराम सिंह। बड़ी खुशी हुई आपसे। लवली पार्टी सेठ जी।